मंडी शहर के ऐतिहासिक पंचभक्त मंदिर में ब्यास में आई बाढ़ के बाद पहुंची क्षति का जायजा लेने मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा प्रशासनिक टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां मंदिर परिसर को बाढ़ से पहुंची क्षति का जायजा भी लिया और गर्भगृह में जमा हुई सिल्ट को बाहर निकालने के निर्देश प्रशासन को मौके पर ही दिए। इसके बाद उन्होंने शहर के समेकतर और पुरानी मंडी में भी बाढ़ और भारी बारिश से गिरी डंगे का जायजा लिया और प्रशासन को उचित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। मंडी शहर के ऐतिहासिक पंचभक्त मंदिर में ब्यास में आई बाढ़ के बाद पहुंची क्षति का जायजा लेने मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा प्रशासनिक टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां मंदिर परिसर को बाढ़ से पहुंची क्षति का जायजा लिया और गर्भगृह में जमा हुई सिल्ट को बाहर निकालने के निर्देश प्रशासन को मौके पर ही दिए। इसके बाद उन्होंने शहर के समखेतर और पुरानी मंडी में भी बाढ़ और भारी बारिश से गिरे डंगे का जायजा लिया और प्रशासन को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पूरे प्रदेश में बरसात से काफी क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वयं सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि बचाव व राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी रखें। इसी कड़ी में मंडी जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं, जहां भी बाढ़ और भारी बारिश से क्षति हुई है और जो भी संपर्क मार्ग और मुख्य मार्ग बंद पड़े हैं, उनको युद्ध स्तर पर बहाल किया जाए। सांसद रामस्वरूप ने कहा कि जहां भी धनराशि की जरूरत होगी वहां पर तत्काल धनराशि जारी कर दी जाएगी। वर्षा से द्वारा, फ्लड द्वारा, बाढ़ द्वारा भारी जानमाल का नुकसान हुआ है और कुल्लू, मनाली, मंडी, पूरे प्रदेश में भारी क्षति पहुँची। आज मैंने भी मंडी के कुछ स्थानों का दौरा किया है और प्रशासन से आग्रह किया कि तुरंत फौजी राहत दी जाए। और जो बड़ा नुकसान हुआ है उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी इस बारे लगातार सभी जिलों से संपर्क बनाए हुए हैं और केंद्र से भी आग्रह करेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश में भारी क्षति हुई है इसके लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस दौरान उनके साथ एसडीएम सदर सनी शर्मा, पार्षद पुष्पराज, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष कपूर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।